मधुसूदनगढ़ बारूद चंद्रपुरा गांव के बीच अचानक ऑटो पलटने के कारण एक महिला और एक बच्ची की मौत हो गई, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी मिलते ही मधुसूदनगढ़ थाना प्रभारी विनय कुमार शर्मा अपनी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को मधुसूदनगढ़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साथ ही दोनों शवों को पीएम के लिए मधुसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र के पीएम रूम में रखवा दिया गया। जानकारी के अनुसार ऑटो में सवार लोग धोनिया कुंडल गांव में कार्यक्रम के बाद अपने घर चौपन गांव जा रहे थे। उसी दौरान अचानक बारूद और चंद्रपुरा गांव के बीच ऑटो पलट गया, जिसके एक महिला और एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई और एक बच्चा और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक महिला एवं बच्चे रिश्ते में नानी और पोती बताई जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जाँच शुरू कर दी है। अच्छा, ये टेम्पो में बैठी थी। हाँ। क्या नाम है इनका? गुड्डी भाई। रिश्ते में क्या लगती हैं ये दोनों? रिश्ते में एक भाने जगी एक माँ जगी। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये सोना कुंडा से घर जा रही। कौन से गांव? चौपना। ये बारोत की जगह पे वहाँ की जगह मधुसूदनगढ़ से ग्राउंड रिपोर्टर टोनी शाह की रिपोर्ट।